शहर में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि सभी दुर्गा पूजा पंडालों में पुलिस कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। महिला पुलिस कर्मियों के साथ ही कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के अलावा सिविल ड्रेस में भी पुलिस बल तैनात रहेगा। डीसीपी ने बताया कि हिस्ट्री शीटर और जेब कतरों की पहचान कर विशेष निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही भरत मिलाप के आयोजन को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। डीसीपी ने बताया कि जिन लोगों का आपराधिक इतिहास है उनकी गहन जांच पड़ताल की जा रही है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। अधिक भीड़ वाले स्थानों पर उचक्कागिरी को रोकने के लिए एंटी रोमियो टीम को सक्रिय कर दिया गया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत साइबर अपराध पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही एसिड की बिक्री को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है जिसकी प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। डीसीपी ने अपील किया कि अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वे तुरंत 1090 पर कॉल करें ताकि त्वरित मदद उपलब्ध कराई जा सके। आरस में जो अभी त्योहारों का जो सीजन चल रहा है इसको लेकर के सभी दुर्गा पंडालों पे पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पोस्ट किया गया है। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी सब जगह पोस्ट किए गए हैं और साथ ही सादे कपड़ों में भी पुलिस को तैनात किया गया है, जिससे कि जितने भी जेब कतरे हैं या चोर किस्म के लोग हैं इनको चिन्हित कर पकड़ा जा सके और कोई घटना ना हो पाए। और इसी में जो आगे अभी भरत मिलाप है यहाँ पे जो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है चेरदेन थाना क्षेत्र में, उसको लेकर के भी सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और सभी जगह जितने भी भीड़ वाले इलाके हैं सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और जितने भी चिन्हित लोग हैं जिनका आपराधिक इतिहास है उनसे गहनता से उनसे पूछताछ भी की जा रही है और उनको निगरानी में रखा जा रहा है।